छोड़ लो उंडो, क्या चल रहा तुम्हारी जिंदगी में? मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। नहीं चल रही होगी तो यार फिर मेरे से तो बढ़िया चल ही रही होगी, क्योंकि मेरे साथ जो है भाई पबजी में इतने ज्यादा गलत सीन हो रहे हैं और मुझे इतने हरामी लोंडे मिल रहे ना। अभी फिलहाल तुम इस गाड़ी की ही बात ले लो, ये गाड़ी आई भाई जॉर्ज पुल पर हमारे ऊपर, इन बंदों ने रश करा, पहले हमारे सामने एक बोट था इसे निपटाते हैं भाई, ये तो हर एक जगह ही आ जा बोट वगैरह। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस गाड़ी की बात, देखो गाड़ी आई सामने मेरे हाथ में थी M14 बैरल, मतलब खतरनाक लूट हमने जॉर्ज पुल की, मतलब बिल्कुल ऐसी तैसी फेर रखी थी। और सबसे पहले तुम एक एयरफोन उठा लाओ भाई, तुम्हारे काम आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे गाड़ी आई वेयर हाउस पे जाके रुकी भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसे बंदे रश कर देते हैं। अब मैंने वहाँ पे ADS खोला, इतने में भाई मुझे सावन का कॉल आता है कि भाई सामने वाले बंदे जो हैं जंप कर रहे हैं, मतलब वो मीटअप वाले हैं। और मैंने सावन को कहा चल भाई मीटअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मीटअप करा और भाई तुम देखना हमारे साथ मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीन हुआ, तुम्हें मजा आ जाएगा देख के। अब फिलहाल क्या हुआ, इन बंदों ने भाई मुझे पहले तो बहुत मिट्टी मिट्टी गोली दी कि भाई मोर्टल डायनमो लेजिट गेम एक्सप्रो भाई हम किसी को नहीं देखते, तेरी वीडियो देखे हैं। मका अरे वाह भाई क्या फैन मिले हैं। मैंने इनकी गाड़ी उठाई, मैंने इन्हें कहा भाई लास्ट में मिलता हूँ मैं तुम्हारे से, ये राजी भी हो गए थे अपनी गाड़ी देने के लिए। बट भाई इन्होंने पता नहीं फिर पन्नी पुन्नी के क्या नशे करे, इन्होंने ये हरकत कर दी। रियलिटी बताओ ना भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इन बंदों की वजह से हम उन बंदों से भी मीटअप नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि भाई रियलिटी में फ़ैन होते हैं, जो कि भाई गन पीछे तक करके आए हैं, क्योंकि भाई इनके जैसे बंदे हमारे मन में एक डर बिठा दें कि भाई अगर मीटअप करेंगे तो भाई हमारी मौत आ जाएगी। बाकी अब देखो भाई इन बंदों को कैसे मारते हैं, इन्होंने भाई खुशकी तो ले ली और इन्हें यूँ नहीं पता ये भाई कुनेटबाजी कर किससे रहते, मतलब तुम्हें पता होगा भाई मैं कितना हरामी और भाई ने कैसे मारा, तुम खुद देखना। फिलहाल यहाँ पे भाई हमारे पे हीलिंग भी नहीं थी और सावन का भी सेम ही सीन था, उस पर भी भाई कुछ नहीं था, ठीक है? अब फिलहाल तुम देखना इन बंदों को हम कैसे बेलते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ भाई, मजदूर को खोदना और बाप को तो मतलब तुम समझ गए होंगे नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है? अब चलो बेलते हैं इन्हें। जी हाँ, हमारे लियाकत भाई साहब एक बेवफा डार्लिंग के लिए जरा क्या फरमाते हैं सुनिए तो। चल हट्टी बहन की लौड़ी, चल हट्टी बहन की लौड़ी, चल हट्टी बहन की लौड़ी, चल हट्टी बहन की लौड़ी। यो यो साहिन सिंगर। तो हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के सेकंड न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और पिछले गेम प्ले में तुम मुझे बताना तुम्हें भाई वो स्टार्टिंग वाली चीज कैसी लगी, अगर तुम्हें मजा आ गया हो तो लाइक कर देना। और बंदे बताऊं भाई सही में ही हरामी थे, पहले तो मुझे कह रहे भाई मोर्टल गेम एक्सप्रो, अरे किसी को जानते ही नहीं ब्रो, तुझे ही जानते हैं और तेरी ही वीडियो देखते हैं। मैं कहा भाई बहुत बढ़िया बात है यार, मतलब कतई तुमने चाड़ा सा पाड़ दे, ठीक है? और थोड़ी देर बाद भाई गाड़ी उठाई और उस पर ही पेलने लगे। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, मुझे पता लग गया भाई तुम उनकी वीडियो क्यों नहीं देखते, क्योंकि वो तो तुम्हारी गांड तोड़ते होंगे ऐसी हरकत पे। अभी फिलहाल मैंने लेजिट को फोन करके बुलाया था, मैंने कहा भाई मका गेम एक्स प्रो मुझे गेम प्ले गोम प्ले नहीं मिल रहा, मेरा नेट इशू चल रहा है और आ जा मुझे गेम प्ले दिला दे। और रवि भाई इतना अच्छा बंदा, वो भाई आया भी मुझे गेम प्ले दिलाने, बट मेरे नेट ने भाई ऐसे सस्ते नस्ते दिखाए, तुम आगे देखने के लिए मिलेगा इस गेम प्ले में। अभी फिलहाल मैं और गेम एक्स प्रो भाई यहाँ पे उतरे हुए थे जॉर्ज पुल, और मेरे हाथ में आ चुकी थी एक टोमी और एक DP। अब सबसे पहले मैं इस बंदे को पेलता हूँ भाई, बेचारा गन की तलाश में भटक रहा था। अभी दो बंदे इधर हैं, यहाँ पे दो हैं। यहाँ पे ये जो दो बंदे होते हैं इन बंदों को भी हम पेल देते हैं। और मैं तुम्हें बताऊँ ये गेम एक्स प्रो की सेकंड आइडिया है, तुम कहोगे कि भाई ये गेम एक्स प्रो तो है ही नहीं, मैं बता दूँ भाई तुम्हें ये है गेम एक्स प्रो ही, बट ये जो है भाई हमारा सेकंड अकाउंट है, इसमें हम भाई हैक ट्राई करते हैं, जैसे कि हमने कोई लोडा लसन हैक पर कुछ एक्सपेरिमेंट करा, उसमें नया कोई बड़ा इन्वेंशन करा, तो भाई हम इस वाली आईडी में ट्राई करते हैं ताकि हमारी आईडी बैन ना हो जाए। ये भाई लोडा लसन हैक के लिए बनी हुई है आईडी, तो मतलब ज़्यादा जज मत करना। ट्रिपल फिंगर पे शिफ्ट करने की वो कर कोशिश कर, उस पे शायद ज्यादा बेटर खेलेगा क्या? इस बंदे का नाम तो मुझे पहले थोड़ा सा मेरे नाम जैसा ही लगा, बट थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा भाई इसका नाम तो रोनी पोनी अजीब सा था। अब फिलहाल इस बंदे को मैं पेल देता हूँ और भाई पूरा का पूरा जॉर्ज पुल इसी के साथ खत्म हो चुका था, पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ पे टावर पे चढ़ गया। भाई टावर पे चढ़ने वाली ट्रिक ना आज के टाइम में इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है भाई, जिस तरह तुम 60 वाला कच्चा बार बार रिपीट करके पहन रहे हो, वैसे मुझे पता है राइम नहीं हुआ पर चलेगा यार।
एक चीज मैं तुम्हें बताऊं भाई, तुम सोचते हो कि गेम प्ले बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेम प्ले बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और बंदे तो भाई हमें लोबी में आधी बार मिलते ही नहीं। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम भाई बंदों से हम मर जाते हैं, बंदे हमें मार देते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। पर आधी बार पता क्या हो भाई, मान लो हमने हॉट ड्रॉप क्लियर करा और उसके बाद बंदे बचे हैं 30-20, इतने लाइव, तो भाई इन बंदों को कहाँ ढूंढे हम और कहाँ से तुम्हें दिखाएं कि भाई बंदे मारते हुए, मतलब अलग ही सीन हो जाता है बिल्कुल। अभी फिलहाल मैं अपनी डांसिया लेके इधर स्कॉड हाउस की साइड से निकल रहा था, तभी भाई मुझे बंदे के फुट स्टेप आ जाते हैं। यहाँ पे देखते ही देखते इतने ज्यादा बंदे आ चुके थे, मैं और रवि यानी कि गेमएक्स प्रो भाई यहाँ पे फंस चुके थे बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से। वो बेटी चोत बंदा जो था भाई अपने काले कच्छे वाले को मतलब बिल्कुल फिनिश कर रहा, मान लिया मैंने इसके कच्छे में आग लगा दी थी, बट भाई नहीं है तो ये अपना दोस्त ही। अभी फिलहाल मैं इसे बचा लेता हूँ और यहाँ पे जरा लूटपाट करते हैं, और बंदे भी आ चुके हैं, उन्हें भी मारेंगे। अब मैं तो करेट लूट रहा था भाई, पीछे से पता नहीं कोई घास में से पड़ा हुआ बंदा फायर दे रहा था, और ये पड़े हुए बंदे जो हो ना भाई ये सामने आने के नहीं, तुम्हारे पीछे से टक टक करके मारते रहेंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान कर देंगे, ना तो तुम सामने वाले बंदे मारने के लायक रहनेंगे और ये तो तुम्हें दिखने के ही नहीं। फिलहाल मैंने यहाँ पे भाई रवि को अपना बीड़ी का बंडल दे रखा था, और उनने यहाँ पे भाई बीड़ी बुड़ी फूक के मतलब पूरा धुआं धुआं कर दिया, तो इससे हमें थोड़ी सी बचाव मिलेगा सामने वाले बंदों से। और तुम्हारे भाई ठा लेता है एक खतरनाक सी गन जो कि है भाई M249। अब M249 का तुम्हें पता होगा भाई 100 गोली है और सामने वाला बंदा खत्म। यहाँ पे हम क्लोज वाले बंदे को जैसे ही नॉक करते हैं, और भाई जो दूसरा बंदा था वो यार गेम एक्स प्रो को नॉक कर देता है। और अब जो है गेम एक्स प्रो की जान भाई मेरे ऊपर आ चुकी थी, मुझे बचाना था उसे, तो सबसे पहले तुम्हारा भाई कवर में रह के ये M249 रिलोड करता है, और 2-3 नेट ट्राई करता हूँ भाई, नेट तो मतलब कनेक्ट ही नहीं होता, जब मेरी किस्मत खराब हो ना तो भाई नेट तो एक भी नहीं लगता, वरना चिपका ले सही फेविकोल से हो जा दीवार तो मेरे नेट के साथ, कहीं भी नेट फेंक दूँ कहीं भी कनेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे तुम्हारा भाई मार देता है, और तुम्हें अगर पसंद आई हो यहाँ पे ये जो फाइट हुई तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अभी तक तुमने इस वीडियो पे लाइक नहीं करा तो मेक श्योर कि तुम इस वाले वीडियो पे लाइक करो, और मतलब कतई भाई तुम्हारा उससे अलग ही सपोर्ट दिखाई देता है। यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट पे मैं गाड़ी रोकता हूँ, एकदम से भाई अपार्टमेंट में घुसता हूँ, और एक बंदा तो भाई खिड़की पे पीक दे रहा था, और उसके दूसरे बंदे को तो भाई पता ही नहीं लगा कि कम में को बंदे आए और कम में को इन्हें भाई पेल के चले गए, मतलब इनकी पेटियों से हरा पदवा दिया हमने एक तरीके से, तुम ऐसा भी कह सकते हो। अब यहाँ पे मैं और गेम एक्स पर भाई कुछ और बंदे ढूंढ रहे थे, ताकि भाई हमें कंटेंट और पैसों का लालच जो कि हमें हर बार मतलब गेम प्ले ढूंढने पे मजबूर कर ही देता है। अभी फिलहाल हमें एक बंदा ओपन में भगता हुआ दिखता है, जिसके तुम्हारा भाई M249+6x टेक देता है। कसम से बताओ ना बंदा बहुत ज़्यादा दूर था, और M249 भी थोड़ी इधर उधर हो रही थी, क्योंकि इसमें भाई कोई अटैचमेंट नहीं लगता, तो इसका रिकॉइल कंट्रोल करना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है दूसरी गन्स के अलावा। यहाँ पे मैं और गेम एक्स प्रो एक तरीके से इन बंदों में पुश तो कर देते हैं, बट यहाँ पे इन्हें मारना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एक बंदा ब्लीड होकर मर गया, और उसका दूसरा टीममेट तो भाई यहीं आके लेट गया। रियलिटी में बताऊँ ना बंदा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, सामने बिल्कुल घास ही घास थी, और इसकी दूसरे बंदे की क्रेट का अंदाजा लगा के कि भाई जहाँ वो बंदा नोकता उधर की तरफ को स्प्रे दिया मैंने, और भाई बंदे के हेडशॉट पड़ा और बंदा खत्म। अब यहाँ पे मैंने लूटता हूँ, यहाँ तक मेरा नेट बिल्कुल सही चल रहा था यार, जिंदगी में मजे थे, तुम देख रहे होंगे 14 किल हो चुके थे, 16 बंदे लाइव थे, और अच्छा 20-30 किल का गेम प्ले आराम से यहाँ पे निकल सकता था, 20-30 नहीं मतलब 21-22 किल का गेम प्ले मैं यहाँ पे आराम से निकाल लेता,
बट मेरे नेट ने भाई बिल्कुल मेरा साथ सूत कुछ नहीं दिया। एक तो मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, ऊपर से मेरा नेट भी मेरा साथ छोड़ जावे। यहाँ पर मेरी गाड़ी बिल्कुल स्थिर खड़ी होगी तो मुझे लगा कि हाँ भाई मेरा इंटरनेट चला गया, तो मैं दोबारा से अपने आईपैड में आता हूँ और भाई वाईफाई चेंज करता हूँ। अब मैं आ चुका था भाई जियो पे, और जियो पे भाई मुझे नहीं पता यार लोंडे कैसे खेल रहे हैं। भाई मैं तुम्हें सल्यूट करता हूँ अगर तुम यार जियो पे खेलते हो भाई। मेरे में ना भाई अलग ही सीन हो, या तो मेरी सिटी या मेरा एरिया में तुम कुछ कह सकते हो भाई। जियो बिल्कुल भी नहीं चलता, मतलब उसमें पिंग इतनी गंदी आ गई ना, बहुत ज़्यादा गंदी है। फिलहाल मैं खेल रहा था जियो पे और इतना भाई डीसिंक हो रहा था ना इसमें, बहुत ज़्यादा डीसिंक। यहाँ पे हम फ्लेयर वाले बंदों पर रश करते हैं और मेरे साथ हो जाते हैं भाई कुछ गलत ही सीन। कुछ बंदे हमारे सामने थे जिनके के ऊपर भाई मैं नेड करता हूँ। यहाँ पे तुम एक तरीके से कह सकते हो भाई मेरी भी गलती थी, मैंने रवि को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया और मैं अकेला जाके घुस गया, क्योंकि मेरे हाथ में थी M249 और रियली गन जब भी मेरे हाथ में हो ना तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर चला जाए, उसके चक्कर में मैं मर जाऊँ। अब उन बंदों ने भाई हमारी समाधि बनाने में ना मिनट नहीं लगाया। तो होप सो तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी एक और नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आ भाई रवि पन्नी फूकने चल ले, क्या बीड़ी है तेरे पास? अरे वो ही लिया। किंग गॉन